मेरा नाम यकूब मसीह है, सियाणा का मैं रहसी हाँ। तो सर जी मैं मेरा भतीजा ही दुकान से बैठे हैं, तो मुंडे आए ने कोई 18-20 सत अठ बंदे अंदर बड़े ने, उन्हें डंडिया ना मैनू कुर्सी पर बह के घुट चढ़िया, इन्ना मारिया बड़ा कोई जीव निशाना लड़िया। उस तो बाद बच्चा सी इन्हू भी ऐसे मारते हैं, इन्हें चलो छोटा वो को फड़िया, उन्हें फटाफट पिस्तल फड़ के तेन सीधा कर दी। अभी फिर दोवें चाचा पुत्रिया सर जी मार ही उन्होंने को खाने लगे, दिल आया मार के कहना वे लो तुहाडे सामने जो कुछ चेते आए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज एक गांव जो सियान गांव है वहां पर पहुंचे हैं और आप लोग साथ साथ इस वीडियो को सीसीटीवी को देख रहे हैं कि एक शख्स कैसे अपने कामकाज पे जो है वो डंडों का शिकार है, लोग उसकी किराना स्टोर को किस तरह से मार रहे हैं आप साथ देख रहे हैं। और याकूब मसीह इस भाई का नाम है जिसके घर में हम पहुंचे हैं, और आकाश परवेज उनके भतीजे का नाम है। इन दोनों को आज से 2 दिन कबल जो है वो पूरा मॉब जो इस गांव का एक पूरा मॉब है वो इकट्ठा होके सोटियां लाठियां लेकर आए और इन पर धावा बोल दिया बुरे तरीके से। आप देख सकते हैं साथ साथ कि इनको मारा पीटा गया और किसी ने इनकी आहो पुकार को नहीं सुना। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है बिलखसूस DPO साहब, DCO साहब और निगरान हुकूमत से कि वो इस वाकया की जो है वो के मुलजमान है उनको कैफे किरदार पहुंचाया जाए। अगरचे हम मसीही हैं तो मसीही होना कोई बुरी बात नहीं, और गाली दे देना ये चूड़े हैं और इनको यहाँ पर किराना चलाने का सब्जी बेचने का हक नहीं है, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं बतौर खादम होते हुए इस्तदा करता हूँ कि इस वाक्या की हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, और आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि जल्द अज जल्द जो है इसका तमाम मुलजमान को जो FIR के मुताबिक जिनके नाम दर्ज हैं उनको जो है कैफे किरदार पहुँचाया जाए और इस घर को और इन गरीबों को इनका इंसाफ मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बात आप तक पहुंचेगी और आप इसको ज़रूर जल्द अज जल्द ब्रूए कार लाएंगे। खुदा उन हम सब का हामी व नासिर हो। गॉड ब्लेस यू।